नमस्कार, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं भैया जी गजब। हाल ही में केदारनाथ धाम से कई विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिनसे शिव भक्तों की आस्था को ठेस भी पहुंची। इसको देखते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने बड़ा फैसला लिया। अब से मंदिर परिसर में कैमरा और मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, श्रद्धालु अब मंदिर परिसर में ना ही तस्वीर ले सकेंगे और ना ही वीडियोग्राफी कर सकेंगे। दरअसल हाल ही में एक महिला ब्लॉगर द्वारा मंदिर परिसर में विवादास्पद वीडियो बनाने और उसे वायरल करने का मामला सामने आया था। इसके बाद मंदिर समिति की ओर से ये कदम उठाया गया है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने मंदिर परिसर में जगह जगह बोर्ड लगाए हैं, जिन पर लिखा है कि मोबाइल फोन के साथ मंदिर परिसर में प्रवेश ना करें। मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पूरी तरह से प्रतिबंधित है और आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। इतना ही नहीं, मंदिर समिति ने केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं से सभ्य कपड़े पहनने और मंदिर परिसर में तंबू या शिविर लगाने से परहेज करने को भी कहा है। मंदिर परिसर में हिंदी और अंग्रेजी में लगे बोर्डों पर यह भी लिखा है कि आदेशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष ने कहा है कि यह धार्मिक स्थान है जहां लोग काफी आस्था से आते हैं, भक्तों को उसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ धाम से अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन वहां भी ऐसे बोर्ड लगाए जाएंगे। हाल ही में मंदिर के गर्भगृह में जाने से पहले ही यात्रियों के मोबाइल फोन स्विच ऑफ कराने के आदेश जारी किए गए थे। साथ ही वहां कोई कैमरा ले जाने पर भी बैन लगा दिया था, लेकिन अब पूरे मंदिर परिसर में मोबाइल फोन की एंट्री बैन कर दी गई है। दरअसल हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक लड़की केदारनाथ मंदिर के सामने अपने बॉयफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करती है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के बीच बहस छिड़ गई। लोगों का कहना है कि केदारनाथ धाम को टूरिस्ट स्पॉट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। मंदिर समिति से मांग की गई कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ में ये भी मांग उठी कि मंदिर परिसर में मोबाइल पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। अब इस मांग को पूरा कर दिया गया है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी और अधिक खबरें जानने के लिए बने रहें भैया जी गजब के साथ।